मेरा नाम पूजा डुमोलिया है। मेरे पिताजी का नाम श्री राधेश्याम डुमोलिया है। मैं बुटेरी गांव की रहने वाली हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी मजदूर हैं। मेरी माताजी घर का कार्य करती है। मुझे एचपी क्लब के बारे में जानकारी हमारे टीचर ने दी। अगले ही दिन से हमारे विद्यालय में एचपी क्लब की गाड़ी आना शुरू हो गई और हमें कंप्यूटर की जानकारी देना शुरू हो गई। मुझे कंप्यूटर के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी और न ही मेरे परिवार में किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी थी। कंप्यूटर में मैंने कीबोर्ड चलाना, टाइपिंग करना व माउस चलाना सीख लिया है। अब मैं अपने परिवार वालों को भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CSC नास्कॉम व युवा जागृति को। धन्यवाद। नाम अनामिका भार्गव है। मेरे पिताजी का नाम कैलाश चंद है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेरी में कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक है। मेरी माताजी घर का काम करती है। मुझे एचपी क्लब के बारे में मेरे क्लास टीचर ने बताया। अगले दिन हमारे स्कूल में एचपी क्लब की गाड़ी आने लगी और एचपी क्लब के जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने मुझे कंप्यूटर के बारे में माउस चलाना और कीबोर्ड और टाइपिंग के बारे में बताया। मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि मुझे कंप्यूटर के बारे में पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब मैं मेरे परिवार को भी जानकारी दे सकती हूँ क्योंकि मेरे परिवार को इस कंप्यूटर के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं थी और इसके लिए मैं SP और युवा जागृति और CSC को धन्यवाद देना चाहूँगी।
नाम विक्रम सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सिंह तंवर है। मैं गांव बुटेरी का रहने वाला हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेरी में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। मेरी माताजी गृह काम करती है। मुझे HP के लिए जानकारी हमारे टीचर्स ने दी। अगले ही दिन से HP की गाड़ी हमारे स्कूल में आना प्रारंभ हुई। पहले मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता था, न ही मेरे परिवार वाले जानते थे। मैं कंप्यूटर से माउस चलाना, टाइपिंग करना और कीबोर्ड चलाना सीख गया हूँ। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसकी जानकारी मैं मेरे परिवार वालों को भी दूंगा। इसके लिए मैं CSE, HP और युवा जागृति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राकेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेरी, जो युवा जागृति संस्थान बानसुर, नास्कॉम और CSE एकेडमी के द्वारा जो विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के जो कार्यक्रम HP क्लब के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, विद्यार्थी निरंतर सतत लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इन संस्थानों के इस योगदान के लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज का युग IT का कंप्यूटर युग है और डिजिटल इंडिया की सार्थकता तभी है जबकि डिजिटल समावेशन हो। इन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को चुना है और इससे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। डिजिटल समावेशन वास्तव में भारत में तभी माना जाएगा जबकि गांव के बच्चे भी लाभान्वित होंगे और ये कंप्यूटर की शिक्षा घर घर तक पहुंचेगी। कंप्यूटर की शिक्षा आज के युग में इसलिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रेलवे, बैंकिंग, नौकरी, हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए सरकारें भी निरंतर प्रयत्नशील हैं। जैसे कोरोना के समय में हमारी राज्य सरकार ने भी ई शिक्षा कार्यक्रम चलाया था, ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम था। इसमें विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। मैं इनके इस कंप्यूटर शिक्षा में इनके योगदान के लिए, जो इन्होंने हमारे विद्यालय में चलाया है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं और उनका जो नई जो तकनीक है उसमें रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि निरंतर ये विद्यालय के लिए इस तरह के जो समावेशी कार्यक्रम है निरंतर चलाते रहेंगे। मैं पुनः एक बार फिर से नास्कॉम, CSE एकेडमी, युवा जागृति संस्थान के निदेशक गोकुल जी सैनी, उनको और HP क्लैप कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं, सभी जिनका योगदान इसमें है, मैं सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बाबूलाल यादव,
वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेरी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपकी नास्कॉम और CSC एकेडमी, HP क्लैप और युवा जागृति संस्थान बानसूर को कि हमारे इस विद्यालय को आपने चुना। नई जागृति, नई चेतना और एक नया उत्साह बच्चों में आपके इस कंप्यूटर लिटरेसी के द्वारा देखते ही बनता है। बड़े दूर दराज और ढाणियाँ और वंचित गरीब और बेसहारा वर्ग के जो बच्चे हमारे इन राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लिटरेसी और कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है, वो आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से व्यक्तिगत बच्चे को टैबलेट दी जा कर के और उसका पूरा ज्ञान करवाया जा रहा है, बच्चे बहुत ही रुचि से और सरलता से और आनंददायी तरीके से आपका शिक्षण ले रहे हैं। बड़ा चाव है बच्चों में, ललक है, जिज्ञासा है, जो कि आज के एक वर्तमान समय की मांग भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के बच्चों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान जितना पुस्तकीय ज्ञान है, अंकीय ज्ञान है, उससे ज़्यादा कहीं आज महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी नास्को कंपनी को, CSC एकेडमी को, HP क्लैप को और हमारे युवा जागृति संस्थान बानसूर जिला अलवर राजस्थान को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साधुवाद के आप पात्र हैं कि आज आपने हमारे इस विद्यालय को चुना और बच्चों को जो कंप्यूटर लिटरेसी की शिक्षा दी जा रही है उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हंसराज, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटेरी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा युवा जागृति संस्थान को, जिन्होंने समय समय पर आकर हमारी बालिकाओं और बालकों को कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रशिक्षण दिया। इनको नई जो तकनीकें हैं कंप्यूटर के क्षेत्र की, उनको बताया और बालकों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उनको नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी, जिससे वो आधुनिक समय में आने वाली जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उनको उनसे रूबरू हो सकें। और मैं ये भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा युवा जागृति संस्थान को, जो बीच बीच में बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की उनका निराकरण करने में अग्रणी रहते हैं और समय समय पर जो हमारी बच्चों की फरमाइश है, जो बच्चों की जानकारियां हैं उनको भी साझा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ CSC, युवा जागृति संस्थान और नास्कॉम को, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और बच्चों में तकनीकी शिक्षा में जागरूकता फैलाई और बच्चे इस संस्थान के नेतृत्व में कंप्यूटर तकनीकी और एजुकेशन से लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद।